नमस्कार, आकाशभूमि न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक मिश्रा। इस समय हम मौजूद हैं जनपद भदोही के भाजपा कार्यालय पर और हमारे साथ बात करने के लिए इस समय हैं जिलाध्यक्ष भाजपा दीपक मिश्रा जी। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि चुनाव की क्या तैयारियां रही, किस तरह से चुनाव जीता गया और किस तरह की कठिनाइयां रही और जनता के लिए क्या संदेश है और कार्यकर्ताओं के। सबसे पहले आकाशभूमि न्यूज को धन्यवाद और मैं सबसे पहले भदोही के बहुत सम्मानित हमारी जनता, भारतीय जनता पार्टी के हमारे देवतुल्य, कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार हमारे कार्यकर्ता बंधुओं, हमारे सभी यहाँ पे जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ नेतागण, सभी को मैं इस जीत की बधाई देता हूँ और सबको धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ सबका, जिनके मेहनत से, जिनके बूते पर, जिनके आशीर्वाद से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के करिश्माई नेतृत्व में भदोही में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर विनोद बिंद जी को बड़े मतों से जीत हासिल हुआ है। कई ऐसे बुद्धिजीवी थे जो पहले ही बुद्धिजीवी की भूमिका में रहे, उनसे जो है हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि अभी दीपक मिश्रा नए हैं, उन्हें अनुभव नहीं है, चुनाव सही तरह से वो नहीं लड़ पा रहे हैं, रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। लेकिन जिस तरह से रिजल्ट आया, अब लोगों ने ये मानना शुरू कर दिया है कि आप चाणक्य की भूमिका में हैं, इस पर कितना आप हंस डालेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कैडर बेस्ड पार्टी है। यहाँ पे बहुत सिस्टम से, बहुत अनुशासन से, बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे वरिष्ठ नेतागण दिशा निर्देशन, मार्गदर्शन करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के सभी जिले के, मंडल के और बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता, इवन हमारे बूथ पन्ना प्रमुख तक, सब एक अनुशासन में एकजुटता के साथ काम करते हैं। यहाँ पे कोई बड़ा छोटा नहीं होता, सब कार्यकर्ता होते हैं और कार्यकर्ता की भावना से ही कार्य करते हैं। इसलिए मैं जिलाध्यक्ष निश्चित रूप से बना, लेकिन ये जो पूरी टीम होती है इसमें कहीं पे पता नहीं चलता कि आप नया जिलाध्यक्ष हैं, आपको जो जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि आपके सहयोग के लिए इतनी बड़ी टीम होती है, इतने निष्ठावान कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के हैं कि आपको संगठन का काम करने में किसी भी प्रकार की कहीं कठिनाई नहीं आती है। एक चुनाव के दौरान बड़ी बात निकलकर सामने आई कि कार्यकर्ता नाराज हैं, कुछ बड़े नेताओं के नाराज होने की भी बात कही गई, कितना आप इससे अग्री हैं? नहीं, देखिए, ये केवल अफवाह था और भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं ने, आपने देखा कि जिस प्रकार से हमारा मार्गदर्शन किया, वरिष्ठ नेताओं ने, हमारे जनप्रतिनिधियों ने जितना बेहतरीन सहयोग हमारा किया, संगठन का किया, और पूरे संगठन के लोग जितनी निष्ठा से, इतनी चिलचिलाती धूप में, गर्मी में, जिस प्रकार से सभी अभियानों को, सभी सम्मेलनों को, सभी जनसभाओं को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और आपने देखा कि जिस प्रकार से वो बूथों तक, लास्ट तक डटे रहे और वो अपने तब तक नहीं रुके जब तक वो उन्होंने पूरा वोटिंग नहीं करा ली, और अपने प्रत्याशी के जीत में जब तक उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका, अपनी पूरी भूमिका को अदा नहीं कर लिया, तब तक वो रुके नहीं, थके नहीं। इसलिए हमारे सभी देवतुल्य कार्यकर्ता बहुत बधाई के पात्र हैं जिन्होंने इस जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जनता के सवाल हैं कि क्या पिछले जो 5 साल के सांसद रहे रमेश बिंद, उन्होंने जिस तरह से जनता के दांत खट्टे किए, क्या ये जो अभी डॉक्टर विनोद बिंद है, ये जनता की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे या उनकी स्थिति भी कुछ ऐसी रहने वाली है? नहीं, देखिए, डॉक्टर विनोद बिंद जी निश्चित रूप से बहुत ही सरल स्वभाव के हैं, पढ़े लिखे डॉक्टर हैं पेशे से, और इतने विनम्र स्वभाव के हैं, और भारतीय जनता पार्टी में उनकी पूरी आस्था है और पार्टी के नीत रीत के साथ वो चलने में अपनी प्रतिबद्धता जाहिर कर चुके हैं। जब वो चुनाव लड़ने के लिए भी यहाँ पे आए तो उन्होंने सीधे सीधे एक बात कहा, मैं आप सबके सामने शेयर करता हूँ। उन्होंने कहा है कि जो संगठन का दिशा निर्देशन होगा वैसे ही मैं चुनाव में चलूँगा, वैसे ही चुनाव प्रचार करूँगा, और आप सभी को भरोसा दिलाता हूँ कि संगठन के हिसाब से ही मैं जीत के बाद आगे जो कार्य भी होगा वो बिल्कुल संगठन और सरकार में बहुत अच्छा सामंजस्य बनाकर हम लोग चलेंगे। निश्चित रूप से भदोही के विकास में डॉक्टर विनोद बिंद जी, यहाँ के हमारे विधायक जन और संगठन सब मिलकर पूरा प्रयास करेंगे ताकि भदोही पूरे प्रदेश में एक अलग पहचान बनाने में सफल रहे। आप संगठन के मुखिया हैं जनपद भदोही के,
क्या आप इस बात की गारंटी लेते हैं कि विनोद बिंद लोगों के बीच पहुंचेंगे और उनकी समस्याओं को सुनेंगे? निश्चित रूप से डॉक्टर साहब का जिस प्रकार से स्वभाव है, जो काम करने का तरीका है, और इस चुनाव में जैसे हमने देखा भी, जो हमारी अपेक्षाएं थी, जिस प्रकार से उन्होंने पार्टी की अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य किया, जो दिशा निर्देशन पार्टी का मिला उसके अनुरूप काम किया, तो ये निश्चित रूप से मैं बड़े स्वाभाविक तरीके से ये कह सकता हूँ कि डॉक्टर विनोद बिंद जी भदोही लोकसभा की सभी सम्मानित जनता की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे। एक जनता के सवाल है ये कि जनता जब थानों में जाती है तो कई ऐसे मामले हैं जिसमें घंटों बिठाया जाता है, इवन पूरा लगभग दिन बीत जाता है लोगों का, और उसके बाद भी उनको सही रूप से न्याय नहीं मिल पाता, या इस तरह की समस्याएं अक्सर आती रहती हैं। उसमें हम लोग भी पत्रकार होने के नाते अधिकारियों से मिलते हैं या खबरें चलाते हैं, समस्याएं पहुंचती हैं लगातार। दूसरी बात, जो तहसीलों की स्थिति है जनपद भदोही में, वहाँ लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं देखिए, अगर किसी कहीं पर भी इस प्रकार की अगर कोई दुर्व्यवहार या फिर कार्य सही न होने की सूचना मिलती है, जानकारी, तो तत्काल उसका संज्ञान लिया जाता है। हमारे जनप्रतिनिधि जो हैं वो निश्चित रूप से तत्काल उस पर बड़े अधिकारियों से बात कर उस पर कार्रवाई करने की मांग करते हैं, कार्रवाई कराते भी हैं। हमारे भी संज्ञान में जो बात आते हैं हम बड़े अधिकारियों को उससे अवगत भी कराते हैं, उसका समाधान भी होता है। कहीं कहीं पे कुछ दिक्कतें आती हैं जो संज्ञान में नहीं आ पाता है, लेकिन जैसे ही संज्ञान में आता है निश्चित रूप से उसका त्वरित गति से उसका निवारण करने के लिए हम लोग पूरे तरीके से प्रतिबद्ध भी हैं और प्रयासरत भी रहते हैं और आगे भी रहेंगे। उसके बाद भी कहीं पे भी दिक्कत है तो निश्चित रूप से हम उस मामले को ऊपर बचा के उन सभी चीज़ों को, चुनाव खत्म हुआ है, हम सब सभी एक साथ बैठ के, संगठन और सरकार दोनों बैठ के एक अच्छे से तरीके से भदोही की जनमानस को किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो, इसके लिए जनप्रतिनिधि हमारे पूरी तरीके से वो प्रतिबद्ध है और संगठन भी इस कार्य को आगे बढ़ाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। कहा जा रहा है कि जिस तरह से सीटों का नुकसान उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हुआ है, वो उसमें एक बात निकलकर सामने आई कि उसमें जो ब्यूरोक्रेसी है, यानी जो अधिकारीगण हैं, उनकी लापरवाही भी, जनता के साथ उनका व्यवहार जो था वो भी कहीं ना कहीं एक बड़ा फैक्टर साबित हो सकता है। तो क्या समीक्षा के बाद अधिकारियों पर भी गाज गिरने वाली है या योगी जी कुछ बड़ा एक्शन लेने वाले हैं? देखिए, पार्टी के हमारे शीर्ष नेता इस विषय पर बैठेंगे, समीक्षा करेंगे, समीक्षा में सभी बातें सामने आएंगी कि किस प्रकार से कहाँ पे हम लोगों से चूक हुई, किस कारण क्या फैक्टर्स रहे जिससे हम लोगों को चुनाव में अपेक्षित सफलता नहीं मिली। उन समीक्षा के बाद ही हम लोग किसी निर्णय पर पहुंच सकते हैं और ये जानकारी दे सकते हैं। जनता के बीच आपकी पहुंच अब कितनी है? अब तक आप संगठन के लिए ज़्यादा कार्य करते रहे हैं, जनता के बीच आपकी जो मांग है, जनता चाहती है कि आप भी लोगों के बीच जाएं, इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं देखिए, हम चूँकि संगठन का हमारे ऊपर दायित्व है, संगठन को चुस्त दुरुस्त करना हमारा कर्तव्य है, और निश्चित रूप से हम ज़्यादा समय अपने संगठन में ही देते हैं और पार्टी की अपेक्षा भी रहती है कि हम संगठन को ही चुस्त दुरुस्त बनाएं। हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो बहुत लोकप्रिय हैं और दिन रात जनता की समस्याओं के लिए वो प्रयासरत रहते हैं। हमारे विधायक औराई श्री दीनानाथ भास्कर जी भी लगातार जनता के बीच में रहते हैं, जनता की समस्याओं का वो निराकरण के लिए बिल्कुल करते हैं। हमारे सहयोगी दल के विधायक, ज्ञानपुर विधायक श्री विपुल दुबे जी हैं, वो भी लगातार जनता की समस्याओं के निवारण में लगे रहते हैं और जनता के बीच में ही रहते हैं। हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, हमारे सभी सम्मानित ब्लॉक प्रमुख हैं, हमारे जो चेयरमैन हैं, सभी अपने अपने जगहों पर जनता के बीच में रहते हैं, जनता के समस्याओं के समाधान के लिए बिल्कुल फास्ट तेज गति से वो कार्य भी करते हैं। और हमारा कार्य चूँकि संगठन का है तो हम संगठन का कार्य करते हैं, और जहाँ पे भी और संगठन के कार्य से भी जो हमें समय मिलता है तो हम जनता के बीच में ही रहते हैं, और संगठन का कार्य भी जनता के बीच में ही रहता है। तो इस प्रकार से हमारा अलग तरीके से जनता में जाना होता है, हमारे जनप्रतिनिधि का अलग तरीके से जाना होता है, लेकिन सभी एकजुट होकर जनता के लिए ही काम करते हैं और जनता ही हमारी जनार्दन है और वही हमारी प्राथमिकता है। सोशल मीडिया पे एक खबर तेजी से वायरल हो रही है चुनाव जीतने के बाद, उसमें एक गाड़ी बीच में विधायक लिखे जाते हुए दिखाई दे रही है, उसमें कोई महिला है वो बोल रही है कि, और ये दावा किया जा रहा है कि वो डॉक्टर विनोद बिंद जी की पत्नी है,
कहा जा रहा है कि ब्राह्मणों ने 5 साल रमेश बिंद जी का पैर धोया है, अब वो विनोद बिंद जी का पैर धोएंगे, इस तरह की बात करें वो जिंदगी भर पैर धोएंगे, इस तरह की बात कही जा रही है। क्या आप इस वीडियो को कितना वेरीफाई करते हैं? देखिए, ऐसे वीडियो चुनाव के बाद समाज में वैमनस्यता फैलाने के लिए विपक्षियों की चाल होती है। वो जब चुनाव हार जाते हैं तो इस तरह का हथकंडा अपनाते हैं। वो चुनाव के जस्ट बाद का वीडियो बताया जा रहा है, जबकि वहाँ पे ना डॉक्टर साहब थे, ना डॉक्टर साहब का परिवार जनपद में आए थे। सर्टिफिकेट लेने के लिए डॉक्टर साहब आए, उनका कोई परिवार आया भी नहीं था। और ये पूरी तरीके से वीडियो फर्जी है, जांच का विषय है, जांच के लिए कहा भी गया है, जांच में सभी चीज़ें सामने आ भी जाएंगी। ये केवल विपक्षियों द्वारा हताशा और निराशा के भाव को प्रकट करने का, उनकी एक ओछी राजनीति करने का एक तरीका है। 2027 के लिए आपकी क्या रणनीति होगी और 2027 के लिए विपक्षियों को क्या संदेश होगा? देखिए, 2027 से पहले हम लोग अपने संगठन में जो भी छोटे मोटे परिवर्तन है, परिवर्तन के साथ जहाँ पे लोगों को एक साथ लेकर अपने संगठन को चुस्त दुरुस्त करने का कार्य हम लोग करेंगे। अभी हमारी प्राथमिकता संगठन को और अच्छे से तैयार करना, चुस्त दुरुस्त करना ही हमारी प्राथमिकता होगी। और विपक्षियों के लिए हमारी कोई नहीं, हम अपने दल के लिए जिम्मेदार हैं, हम अपने संगठन के लिए जिम्मेदार हैं और हम लोग सकारात्मक राजनीति करते हैं। किसी प्रकार से किस विपक्षियों के द्वारा कोई भ्रम और झूठ फरेब की राजनीति में हम लोग विश्वास नहीं रखते हैं। हम अपने कार्यकर्ताओं के दम पर कड़ी मेहनत करके जनता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए समाज में कार्य करते हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बताए हुए रास्ते पर हम लोग चलते हैं। पंडित दीनदयाल जी, हमारे पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जो पार्टी के लिए जो हमारे मूल दर्शन दिए हैं, जो सिद्धांत दिए हैं, जो हमारी पार्टी की पंचनिष्ठा है, हम उसको फॉलो करते हैं और उसी पर हम लोग कार्य करते हैं। और हम लोगों को विश्वास होता है कि निश्चित रूप से जनता जिस प्रकार से हम लोगों पर विश्वास जताती आई है, कहीं ना कहीं विपक्षियों ने जनता के बीच में छल करने का काम किया, धोखा दिया, झूठ बोला। और उससे ठीक है, त्वरित सफलता थोड़ी बहुत मिल सकती है, लेकिन वो लंबे समय तक ऐसी सफलता नहीं टिकती है। और भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है और पूरी निष्ठा से देश के लिए काम करती है। भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी राजनीतिक दल है जो एक राजनीति के माध्यम से देश की सेवा करने का अवसर देती है। और हम सभी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का सदस्य होने का गौरव महसूस करते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं। हमारी पंच निष्ठा में एक निष्ठा है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, तो हम राष्ट्रवाद ही हमारी प्राथमिकता है। और हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखते हैं और लोकतंत्र में पूरा भरोसा है। और निश्चित रूप से जो कहीं पे भी कमी चूक हुई है या विपक्षियों ने जो भ्रम फैलाया है, उसको हम लोग सुधार कर फिर हम लोग और भी बड़ी जीत जीतने के लिए आगे हम लोग प्रयत्नशील होंगे। आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से कांग्रेस दफ्तर में लोगों को झूठा प्रसारित करके कि पैसे बटेंगे, चुनाव में पैसे मिलेंगे, आज सब दफ्तर पर लाइन लगा के जा रहे हैं कि जो वादा किया था जी पैसा देने का, अब हमको पैसा दे दीजिए। तो मुझे लगता है कि चुनाव में इस तरह के हथकंडे को अपना के त्वरित लाभ तो निश्चित रूप से पाया जा सकता है, लेकिन ऐसी जीत टिकाऊ नहीं होती है। यही जनता देखिएगा आने वाले चुनाव में, फिर उनको धूल दूषित करके भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत से फिर सरकार बनाने का अवसर प्रदेश में भी देगी और पूरे देश के सभी चुनावों में देंगे। आपने देखा जिस प्रकार से उड़ीसा में, आंध्रा में और हम केरल में एंट्री किए हैं, तो ये मोदी जी के नेतृत्व का ही है कि पूरे पैन इंडिया में भारतीय जनता पार्टी की प्रेजेंस बढ़ी है, स्वीकारिता बढ़ी है। आज हमारे विचारों की स्वीकारिता पूरे समाज में बढ़ी है, पूरे देश में ही बढ़ी है और लोगों ने हमारे विचारधारा की स्वीकारिता को अपनाया है कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी राजनीतिक दल है जिसके लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए काम करती है, अखंड भारत अक्षुण
भारत बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता विपक्ष ने प्रचार किया कि जो हार थी भारतीय जनता पार्टी की वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं का अभिमान था जो चूर हुआ और विपक्ष मजबूत हुआ, ये विपक्ष का कहना है। देखिए, बड़ा हास्यास्पद स्थिति होती है कि जब विपक्ष इस तरह की बात करता है। कोई भी दल भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर 3 अंक में नहीं पहुंच पाया। भारतीय जनता पार्टी के अलावा न कोई दल 3 अंक में पहुंच पाया, और जो पूरे उन्होंने जो गठबंधन इंडी गठबंधन बनाया था वो पूरे गठबंधन अकेले भारतीय जनता पार्टी के बराबर भी नहीं पहुंच पाया। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं वो किस प्रकार से कहते हैं कि नकार दिया। हाँ ठीक है, कुछ जगहों पर इन्होंने भ्रम फैलाया, इन्होंने कुछ जगहों पर जातिवाद का जहर घोला, कुछ जगहों पर इन्होंने झूठे इस तरह से भ्रामक प्रचार किए, छल किया, तो कुछ जगहों पर इनको सफलता उससे मिल गई। लेकिन मैंने बताया ना कि ये जो छल से प्राप्त किया हुआ ये जो सफलता है ये बहुत दिन तक नहीं टिकने वाली होती है। जनता के सामने सब चीज़ें सामने आ जाएगी और फिर इनका क्या हश्र होगा अगले चुनाव में, यहीं पे आप रहेंगे, यहीं पे हम रहेंगे, आप देखिएगा। अयोध्या हार जाना जो पूरी दुनिया जिस पर फोकस कर रही थी, आपको नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी की बड़ी डिमेरिट है? नहीं, देखिए निश्चित रूप से ये हमारे लिए निराशाजनक रहा हार, लेकिन वहाँ पर जिस प्रकार से जनता के बीच में जाति का जहर घोला गया, वहाँ पे जनता को छला गया, जनता के बीच में जिस प्रकार से लोगों ने बातें कहीं, भ्रामक प्रचार किया, उसमें निश्चित रूप से उनको सफलता मिल गई। लेकिन मैंने बताया ये अल्प समय की सफलता है और इस चीज़ को भी हम लोग संज्ञान में लेकर इस पर भी चिंतन मनन करेंगे कि इस भ्रामक और इस छलावे की राजनीति को हम लोग कुछ जगहों पर नहीं समझ पाए। हम लोगों को ये भी नहीं था कि विपक्ष इस तरह की भी राजनीति कर सकता है, इस तरह के वो स्तरहीन राजनीति कर सकता है, और उन्होंने किया। निश्चित रूप से वो सफल हुए हैं कुछ जगहों पे, लेकिन बहुत जल्द इसकी भरपाई हम लोग आने वाले चुनाव में करेंगे। तमाम बड़े कार्यकर्ता हैं आपकी पार्टी में, बड़े नेता हैं। दीपक मिश्रा अपने आप को पूरी टीम में, भदोही की जो टीम है भारतीय जनता पार्टी, उसमें कहाँ मानते हैं? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के एक छोटे से सिपाही हैं, कार्यकर्ता हैं, और यही सबसे बड़ा पद भी है और यही स्थायी पद भी है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होना मेरे लिए गौरव की बात है, और भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करना और भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से देश की सेवा करने का अवसर भारतीय जनता पार्टी ने हमें दिया है, इसके लिए हम भारतीय जनता पार्टी के आभारी भी हैं कि उन्होंने मुझ जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को जिले के संगठन के मुखिया के रूप में भी किया है। लेकिन मैं स्वयं को एक सामान्य सा कार्यकर्ता ही मानता हूँ और एक सामान्य से कार्यकर्ता की तरह कार्य भी करता हूँ। आप लोगों ने देखा भी होगा कि मैं कभी भी, मुझे वो पसंद भी नहीं है कि मैं मंच शेयर करूं या मंच पर ही रहूं, भाकर दूं। आपने देखा होगा मैं कुर्सियां भी लगा लेता हूं, झंडे भी लगा लेता हूं, कार्यकर्ताओं के साथ मैं बूथ पर बैठ के, ज़मीनों पे बैठ के मैं कार्य भी करता हूं, उनके साथ एकजुट होकर उनके सुख दुख में खड़ा भी रहता हूं। तो यही हमें, इसी में हमें खुशी मिलती है कि हम एक भारतीय जनता पार्टी के एक सच्चे सिपाही के रूप में पूरा जनपद हमें जाने, भारतीय जनता पार्टी का ऐसा ही स्नेह और प्यार हमको मिलता रहे, बड़े नेताओं का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता रहे, बस यही आकांक्षा है। आप सुन रहे थे दीपक मिश्रा जी को, जिन्होंने बेबाकी से अपना पक्ष रखा। फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। आकाश भूमि न्यूज, राष्ट्रीय समाचार पत्र वेब न्यूज चैनल, निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक।